आज हम देखेंगे कि ये एक्सट्रीम मिनी गेम बॉक्स को हमें अनबॉक्सिंग करना है। सो ये एक HDMI डिवाइस है जो कि डायरेक्टली हमारे LED के HDMI पोर्ट पे लगेगी। साथ ही साथ इसमें गेम्स जो हैं वो सारे इस एक TF कार्ड में अलग से हमने लोड कर रखे हैं। हम चाहें तो इस TF कार्ड को कंप्यूटर में लगा के इसमें और गेम्स भी लोड कर सकते हैं। ये कोई चार्जेबल डिवाइस नहीं है, इसको चलाने के लिए हमें पावर देना पड़ेगा। उसके लिए एक ये पावर केबल दे रखी है। ये पावर केबल हम इसमें इस तरह से लगाएंगे और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो हम TV में लगाएंगे, तो इसमें पावर आ जाएगी। जब भी इसमें पावर आएगी तो इसमें एक लाइट जलती हुई दिखेगी हमें। हम चाहें तो पावर हमारे मोबाइल चार्जर से भी ले सकते हैं। सो बेसिकली ये हमें हमारे TV के HDMI सॉकेट में लगाना है। TV को HDMI पे स्विच करना है जिस भी सॉकेट में हमने लगाया, HDMI 1, 2, 3, और इसको पावर देना है। रिमोट्स इसमें वायरलेस हैं, हम रिमोट्स में बैटरी लगा सकते हैं। सो हमारा सजेशन है कि रिमोट्स में आप अल्कलाइन बैटरीज लगाएं, जैसे ये ड्यूरासेल लगी है। सो ड्यूरासेल हाई पावर बैटरीज लगाएं, अल्कलाइन बैटरीज, तो इसका हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा। सो अब हम देखते हैं कि इसे TV में हम लगा के इसे ऑपरेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जैसे ये TV है, ये HDMI 3 पे है, तो हमने जिस भी HDMI पोर्ट पे लगा रखा है हमें उस पर स्विच करना पड़ेगा। तो ये हमारा HDMI 2 पे लगा हुआ है, तो HDMI 2 पे हमारा लगा हुआ है। ये हमने रिमोट लिया, तो रिमोट में जैसे हमने चालू किया तो रिमोट में लाइट जल गई। अब ये एक्शन के गेम्स हैं, स्पोर्ट्स के गेम हैं, फाइटिंग के गेम्स हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, और दूसरे चाहें तो हम ऐड भी कर सकते हैं। सो अभी हमें शूटिंग का कोई गेम चालू करना है। सो जैसे हमने कॉन्ट्रा चालू किया, सो कॉन्ट्रा में हम जब 2 प्लेयर करेंगे तभी सेकेंड रिमोट हमें काम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये कॉन्ट्रा चालू किया और इसमें यहाँ पर सिलेक्ट दबा के 2 प्लेयर किया। 2 प्लेयर करने के बाद अभी हमारी ये दोनों रिमोट काम आने लगेंगे एक साथ, अदरवाइज रिमोट दोनों काम नहीं आते हैं। ये दोनों अलग अलग रिमोट हमारे चल रहे हैं। और अभी आपने जैसे ये गेम खेल लिया, अभी आपको रिसेट करना है, तो सिलेक्ट स्टार्ट और B बटन एक साथ दबाएंगे तो आप वापस से मेन लिस्ट पे आ जाएंगे। ऐसे ही हम B बटन वापस से दबाएंगे तो मेन कैटेगरी में आ जाएंगे, जैसे एक्शन, शूटिंग, स्पोर्ट्स। अब हमें एक्शन के गेम खेलना है तो हम A दबाएंगे तो अंदर चले जाएंगे, B दबाएंगे तो बाहर आ जाएंगे। अभी हमने A दबा के सुपर मारियो चालू करना है, तो हमने A दबाया तो ये सुपर मारियो गेम हमारा चालू हो गया। अभी सुपर मारियो जो है वो 2 प्लेयर करेंगे तो वो एक साथ 2 प्लेयर नहीं चलता, 1x1 चलता है। सो ये हमारा मारियो चालू हो गया। अगेन हमें दूसरा कोई सा गेम खेलना है अगर, तो सिलेक्ट स्टार्ट और B बटन दबाएंगे, सो ये हम मेन लिस्ट पे वापस आ जाएंगे। सो इसमें अलग अलग कैटेगरीज में गेम हैं, एक्शन, शूटिंग, स्पोर्ट्स, फाइटिंग, रेसिंग, पजल्स, सो इस तरह के बहुत सारे गेम हैं। तो ये ध्यान रखिए कि इसमें हमें पावर जो है मोबाइल चार्जर से देनी है, और 2 प्लेयर गेम्स में ही सेकेंड रिमोट काम करेगा, सेकेंड रिमोट डैशबोर्ड पे काम नहीं करता है। मेन लिस्ट पे आने के लिए हमें सिलेक्ट प्लस स्टार्ट प्लस B तीनों बटन एक साथ दबाने रहेंगे, ये देखिए। और आगे भी हम दूसरे गेम्स ऐड करते रहेंगे इसमें, चाहे मेमोरी कार्ड हम निकाल के कंप्यूटर में लगा के गेम्स ऐड कर सकते हैं। तो आगे भी हम हमारे चैनल्स पे दूसरे कई प्रोडक्ट्स के वीडियो डालते रहेंगे। तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।